क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT News चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप का है वो जो मैसेज कर दूँ? नहीं, व्हाट्सएप का नंबर ये नहीं है, तुम्हारे पास है वो नंबर मेरा पहले से। अरे थोड़ा थोड़ा पीछे आ जा, थोड़ा किराए पे जा। एड्रेस वो आधार कार्ड पे बना दे रहे साहब, जैसा भी बना रहे ना वो बात। सब एक मिनट एक मिनट एक सेकंड इसको दे 70 रुपए एक किलो। वो आधार कार्ड के हिसाब से लिखे वो असल वाना मैंने से कर देंगे साहब। आओ भाई जल्दी आइए, जल्दी आइए, थोड़ा जल्दी आओ। सामने 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 आओ भाई। अरे बोल भाई साहब, सलाम अलैकुम भाई 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 साहब। तुम ही पीछे है जी, मैं क्या करूं? तुम चले गए ना भैया पीछे, तुम जाते आते 1000 रुपये वहाँ से आना उनको। अरे बीटी नियत أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آج یہ میں نے نامنیشن داخل کی
हल्के चार मीनार से मंडी से इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हैसियत से, और मैं सदर मोहतरम नखीब मिल्लत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर यह एतमाद कर ये जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है, और साथ साथ हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने भी मुझ पर भरोसा कर ये जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है। मैं इंशाअल्लाह ताला उनके भरोसे को और उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, इंशाअल्लाह उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा, और अवाम के दरमियान में रहकर हल्के चार मीनार की अवाम की मैं खिदमत करूंगा 24 घंटे, और हर वक्त मैं हमारे अवाम के लिए हर वक्त मैं मौजूद रहूंगा जिस वक्त भी उनको जरूरत पड़ेगी, और साथ साथ मैं चार मीनार की अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे चार मीनार के पूरे कॉरपोरेटर्स जनाब मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर साहब, जनाब सोहेल खादरी साहब, जनाब साहिल साहब नुमाइंदा कॉरपोरेटर, नसरीन सुल्ताना कॉरपोरेटर, राजभवन साहब कॉरपोरेटर, इन तमाम का मैं मशकूर हूँ, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और तमाम हमारे इब्तदाई के सदर मोहतरमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर से अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जिस तरीके से मेरा इस्तकबाल अपने बस्तियों में कर रहे हैं और जिस तरह से मुझसे मिल रहे हैं, तमाम आवाम का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं उनकी खिदमत उसी तरह से करूँगा जिस तरह से जब मुझे मेयर बनाया गया था सालारी मिल्लत की जानिब से, उस वक्त मेरी उम्र 26 साल की थी, लेकिन मैंने जो खिदमत अंजाम दी सालारी मिल्लत के रास्त मशवरों में, मैंने उस तरह से खिदमत अंजाम दी, आज भी लोग ये कहते हैं कि मेरा दौर एक गोल्डन दौर था, बल्दिया के ऑफिसर भी कहते हैं, तो मैं उसी तरह से आज भी नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस कुलीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में उन्हीं के मशवरों से उसी तरह से काम करूंगा जिस तरह से मैं सालार मिल्लत के साथ काम किया, उसी तरह से काम करूंगा, और मैं अवाम को भी यही कहूंगा कि आप मुझसे अप्रोच होने के लिए किसी किस्म की झिझक मत करिए, हिचकिए मत, आप कभी भी मुझसे अप्रोच कर सकते हैं, मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, मैं यहीं रहता हूं, अब मुझे आपके दरमियान में छोड़े, आप मुझे कोई MLA ऐसा मत समझिए, एक अदना मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का कारकुन हूं, उस तरह से मैं काम करूंगा जिस तरह से पहले करता था, और आपकी मोहब्बत का, आपके जो आप खुश हो रहे हैं मुझे देखकर, उस तमाम के लिए भी मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रिया खुदा हाफिज़।